अभी केंद्र का बजट जब आया, मोदी जी ने जब लाया मार्च, आप सबने अपने अखबारों में मैगजीनों में एक ही बात छापी, कांग्रेस के पास तो बजट का विरोध करने का कोई विषय नहीं बचा था। अखबारों के पास भी मुझे नहीं लगता था कि कोई अग्रलेख लिखने का विषय बचा था। एक ही बात आपने लिखी कि सारा पैसा किसानों के लिए दे दिया, सारा का पैसा किसानों के लिए दे दिया और किसी को कुछ नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ किसान मध्य प्रदेश का ये भाषण देने वाले किसान नहीं है, ना ये जुलूस निकालने वाले, और जो वास्तविक किसान है शिवराज सिंह जी ने और इस सरकार ने उसके लिए जो किया, 0% ब्याज, -10% ब्याज, एस टी एस सी के मामले में मेरा साफ कहना है ये कोई नया कानून नहीं, मानव अधिकार आयोग का इतना दबाव कोई पार्टी नहीं चाहती थी, कोई सरकार ने वहाँ आवेदन नहीं लगाया था, बीजेपी ने आवेदन नहीं लगाया था कि इस एक्ट से ये चीज ठीक की जाए। आम लोगों ने मानव अधिकार संगठन का दबाव वर्ल्ड में चलता है, सबके ऊपर चलता है, बड़ी बड़ी सरकार के ऊपर चलता है, मानव अधिकार संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव था वो ये था कि न्याय की मूल धारणा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं लगी है इंदिरा गांधी की कि नो अपील नो दलील नो वकील तुम हिंसा में बन। इसमें मानव अधिकार आयोग बार बार दबाव दे रहा था कि इस एक्ट में संशोधन करें कि जमानत जो है उसकी होनी चाहिए या जांच के बाद उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मानव अधिकार आयोग के जो तर्क है, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि बिना आरोप बताए और बिना जांच किए अपन किसी को दोषी नहीं कह सकते, जांच के बाद भी कोर्ट ट्रायल होता है तब वो दोषी माना जाता है। इसके अलावा न्याय की एक लिंथ है जो जिसे आप जमानत कहते हो, जमानत अधिकार है मुलजिम का, जमानत मुलजिम का अधिकार है और कोर्ट को जमानत देना जरूरी है उसे, उसका अधिकार है अंडर ट्रायल पीरियड, और इसलिए जमानत के जहाँ तक विषय, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस एक्ट का कोई दुरुपयोग हम मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। दुरुपयोग जब होता है जब शासन सत्ता और कर्मचारी अधिकारी उसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात, रघु भैया आप बहुत पुराने पत्रकार हो, बहुत विचारवान आदमी हो, आपको वकील भी हो जहाँ तक मुझे जानकारी, तो नहीं हो तो किसी वकील से सुनो, जमानत टोटली डिपेंड ऑन जज, जमानत का अधिकार लिख दिया गया कानून में कि मुलजिम को है, पर जमानत विवेक जो 20% लगता है जज और मजिस्ट्रेट का, जो डायरी और चालान प्रस्तुत होता है उसमें जो इबारत लिखी होती है आरोपों की, उसकी सघनता, उसकी गंभीरता, उसकी जघन्यता, उसकी संघातिक स्थिति के आधार पर जमानत होती है। अब हमने 307 लगा दिया, कमर के ऊपर कहीं संघातिक चोट नहीं है तो 307 सीजेम क्या फेल हो जाए। इसलिए जमानत वाली बात जो लोग कर रहे हैं ये जज और मजिस्ट्रेट के विवेक की बात है। दिल्ली की सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार आयोग के दबाव में आकर के जो संशोधन किए, उन संशोधनों के बाद देश के अंदर तमाम विपक्षी दल जो आज नरेंद्र मोदी के उदय के बाद अस्ताचल की ओर चले गए, उनने भड़काना शुरू किया सभी समाजों, और स्थिति यह बनी पूरे देश की जनता ने देखा कि पिछली 2 जुलाई को जो एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होने के बाद जिस ढंग से शहरों में कस्बों में हिंसक वातावरण बना, जिस तरीके से लोग सड़कों में निकले, वो ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना किसी भारतीय ने नहीं करी होगी, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भी नहीं करी, पर वो दृश्य उपस्थित हुआ। और उस दृश्य के उपस्थित होने के बाद जब सारे विरोधी दल एक सूत्री मांग कर रहे थे कि एक्ट को उसी तरह रहना चाहिए,
देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्माण करने में मेरा आरोप कि सारे विरोधी दल लगे हुए थे, उस स्थिति में देश को हिंसा की आग से बचाने में, देश में गृह युद्ध की स्थिति न बने, घर आंगन में लड़ाई न हो, भाई भाई की गांव गांव में, उससे बचाने के लिए पार्लियामेंट में मसौदा लाए। पार्लियामेंट में आप थे, खड़गे का भाषण निकालिए, जो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है पर कांग्रेस के सदन का नेता है, खड़गे का भाषण जो हुआ है आप उससे पढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कि खड़गे ने प्रस्ताव में इतनी आगे जाकर के समर्थन किया है जो प्रस्ताव की भाषा में भी, और जो प्रस्ताव पास हो गया, सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया आना उसमें स्वाभाविक सी थी, क्योंकि कोई चीज हमें मिली कैसे भी मिली और तुमने उसे छीन ली, ये वातावरण बना, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जमानत का अधिकार, जमानत का अधिकार कुर्सी में बैठे जज और मजिस्ट्रेट को होता है, उनके विवेक को होता है, डायरी की गंभीरता पर होता है, और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में आपको न शामिल करने की कोई खास वजह आपकी निगाह? हाँ, सबसे बड़ी वजह अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने जो देश में राजनीति देखी थी और जो देश में राजनीति चल रही थी, जब वो प्रधानमंत्री बने तो मेरे को भी याद है, मैं 18-20 साल 22 साल का जब राज हो इसका, तो उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल बने, चरण सिंह का या अन्य का, मायावती वगैरह के मैं नहीं याद कर रहा हूँ, पुराना हमारी भी सरकार बनी, चरण सिंह की सरकार रही है, मदी नंदन बोगड़ा, तो सवा सौ मंत्रिमंडल बनता था। अब देख लेते पुराने निकाल के 104, 112, 120 इतने मंत्री बनते थे, ये ठीक है कि वो 400 से ऊपर का हाउस भी था, और देश में भी यही होता था, आधा दल बदल तो इसी में होता था, सरकार बचाने का खेल, और ये लोकतंत्र को कलंकित कर रहा कि जितने सांसद हैं उसे ज्यादा मंत्री बना रहे हैं चंद्रशेखर जी, मंत्री बनाने के लिए सदस्य नहीं है, और प्रधानमंत्री उन्हें कांग्रेस वालों ने बना दिया था, इसलिए बीजेपी को रोकना था। तो ये मंत्री की नसबंदी अटल जी का है, उनने तय कर दिया था कि 10% से अधिक हाउस की जो संख्या है, 10% से अधिक मंत्री कोई नहीं बना सकता, नहीं केंद्र में, नहीं प्रदेश में, न कांग्रेस जी, न भाजपाई, ये अटल जी की है कमाई, और इसलिए हमें मंत्री बनाओ ये तो बनाओ, हमें कभी नहीं आती रुलाई, क्योंकि हमारा सीएम और हमारी पार्टी काम करने का तरीका ये है कि वहाँ एमएलए जो है सब मंत्री की तरह ही मान्यता भले न हो पर सब परिवार भाव से काम करते, और मैं 3 बार का विधायक, मुझे पार्टी ने अवसर दिया 3 बार का विधायक, अगर मंत्री के योग्य है और अटल जी की नसबंदी के कारण नहीं बन पा रहा है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो मंत्री से नहीं है, अगर तो मंत्री से कम भी नहीं है, जो कि सरकार में शिवराज जी जैसा नेता बैठा है जो स्वयं चिंता करता है। चलिए, सांसद जी द्वारा चुनाव के पहले हमेशा कुछ न कुछ एक ऐसा किया जाता है कि जो टिकट के लिए दिक्कत या और सारी चीजें, मेरे सामने 4 दृश्य हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में पत्रकार वार्ता में आप खड़े थे वरिष्ठता के बावजूद, और सांसद जी सीएम के बगल में बैठे थे। पहली जन भागीदारी समिति की बैठक में आप सांसद के भाई लाला ने आपसे बहस की सिर्फ कुर्सी को लेके, आपके अगेंस्ट में योगेश तामकार का नाम लेके उनको पीएम से मिलाने चेंबर के बहाने सांसद जी लेके गए। चौथा सुभाष पार्क आपकी कर्मभूमि है, सुभाष पार्क में सांसद निधि से उन्होंने अचानक ठीक विधानसभा के पहले डेवलपमेंट किया। ये 4 बातें ऐसी हैं जो देखिए भैया, मेरी मान्यता है कि सांसद जी एक अच्छे नेता है, 3 बार से वो सांसद है, जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं। रही बात आपने जो कहा कि टिकट के टाइम पे वो ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा, पर ये सही है कि टिकट के टाइम पे कुछ ना कुछ वो करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगा, ना ऐसा मैं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास कोई कहे भी तो नहीं है,
और टिकट के टाइम में मेरे को घेरा तो जरूर गया, उस कहावत की तरह कि निबले के बहरिया सब पे पहुंच जाए, नहीं समझो, घेरा तो जरूर है। कभी मुझे कातिल बताया गया, कभी मेरे पूरे परिवार को हत्यारा कातिल बता दिया गया, कभी मेरे लड़के को कातिल बता दिया गया, तरह तरह की बातें आई। अभी भी कुछ कर रहे हो तो मैं प्रतिदिन जब सवेरे उठता हूँ तो इसी अंदेशे से उठता हूँ कि कोई नया गेम आना चाहिए इन दो महीनों में। सांसद जी और आप एक ही दल के हैं, एक चीज आपने महसूस की कि सांसद जी की मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनल सुविधा यात्रा की बात कही, मैं कहते नहीं मानता कि वहाँ कुछ गलत हुआ है, इसलिए हम तो कार्यकर्ता ही रहते हैं हमेशा, कौन बैठा है कौन खड़ा है, मेरा नेता बैठा था वहाँ और इसलिए मुझे उसके पास खड़ा ही रहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप अच्छे पत्रकार हो, मैंने भी कुछ समय पत्रकारिता की है, ये भौसा चलता है यहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कराने की तमीज तो हमें भी थोड़ी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिरैया नहीं जाती है संबंधित व्यक्ति के अलावा, और यहाँ आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो कई बार तो पहचानना पड़ता है कि कौन वहाँ से, और इस नाते अगर सांसद जी बैठे रहे हम खड़े रहे तो इसमें मेरी वरिष्ठता नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ। कलेक्ट्रेट वाली में मेरी लागत से कोई बात नहीं हुई थी, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको विषय को लेना भी नहीं चाहिए और ये विषय कुछ है भी नहीं। एक्चुअल में मैं बाद में पहुँचा था थोड़ी लेट, जब मैं पहुँचा तो मेरे को स्वभाव जन एक दूसरे को प्यार सम्मान देने का हमारा हिंदुस्तानी नहीं दुनिया का स्वभाव, जैसे मैं पहुँचा तो स्वाभाविक है मंत्री जी नारायण त्रिपाठी उधर बैठे थे, कलेक्टर साहब लोग आइए आइए करके, और मैं थोड़ी 5-10 मिनट विलंब से पहुँचा था तो कुर्सी में लोग बैठे थे, मैं आगे की तरफ जाने लगा तो नारायण त्रिपाठी खड़े हो और उन्हें कहा भैया आप आइए आप बैठिए, उनको शायद मन में ये लगा कि मैं इनकी चेयरमैन, मैं ये भी नहीं कर रहा कि मेरी चेयर थी, उनको जो भी लगा मेरे को सयाना मान के सीनियर मान के या मित्र मान के, क्या आप छोटी उम्र के मित्र को नहीं कहते क्या तो ये मान करके उनने वो खड़े हुए और उससे कहा ये बैठिए, कलेक्टर वगैरह भी लगे कि हाँ बैठाए बैठाए। इस बीच में जब नारायण खड़े हुए तो मैंने नारायण को कहा तुम बैठो मैं उधर बैठ लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ बैठो बैठो, आपको उठा के बैठना मेरे कोई इच्छा नहीं। फिर भी नारायण नहीं माने, और नारायण जब नहीं माने मेरा हाथ पकड़ के बैठाने लगे और वो खड़े हो गए तो वहाँ लपटने का उद्देश्य नहीं था, मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया उसके बाद नारायण भाई थोड़े नाराज हुआ और लाला के ऊपर नहीं हुआ ना किसी के ऊपर, ऐसे भी नहीं है ये समाचार पत्र नहीं स्तर का मामला भी नहीं, उनने जिला प्रशासन को इंगित करके, कलेक्टर यही है जिला प्रशासन, उसको इंगित करके कहा कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, आप पहले से तय कर दिया करिए कि कौन कहाँ बैठेगा, उसकी स्लिप लग जाए उसका डेकोरम ठीक रहे, और ये इस तरह कर देते हैं वो कोई कहीं बैठ जाता है कोई कहीं बैठ जाता है, आधी बैठक में बैठने की व्यवस्था ये उसने कुछ प्रतिक्रिया, पर पता नहीं क्यों क्योंकि उनकी तरफ इशारा भी नहीं किया गया, और जिनका आप नाम ले रहे हो खड़े हो गए और खड़े ही नहीं हुए, बड़े तेज के साथ नारायण से बात कराते हैं और नारायण भी गुस्से में बैठक का बहिष्कार करके जाने लगा। तब मुझे क्या करना चाहिए था, मेरी पार्टी का विधायक था, बैठक चल रही थी, पब्लिक के बीच में हम सब थे, मीडिया हमारी क्या दुर्गत करता बिना मतलब में पार्टी की, तो मैंने नारायण जी को पहले आवाज़ दे के बुलाया, फिर आगे रह करके बुलाया, और बाद में उनका वो भी क्रोध में था, अपना लड़का भी नहीं सुनता इस पीरियड में अगर कोई आवाज आ जाए तो, फिर मैं भी थोड़ी सा कड़क भाषा में जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, मैंने नारायण जी मैं कह रहा हूँ आप आइए चुपचाप बैठ जाए, अब बकवास के बैठे, वो बेचारे आके मैं उनको धन्यवाद करूँगा, वो आके बैठ गए, पर उनको पता नहीं क्या बुरा लगा कि वो कहने लगे कुछ तो भी और ये ठीक बात नहीं है और मेरे को इशारा करके कहा जा रहा है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको इतने कहा कि नहीं तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है,
वो मेरे लिए कुर्सी से उठा था और बाहर जा रहा था, तुम बैठो और तुम यहाँ के बैठ जाओ, तुम तो बैठ रहा है। तो उसने सोचा मैं उसको आलोचना कर रहा हूँ, दूर तो था थोड़ी। उसने कहा हाँ मैं वहाँ भी बैठूंगा। तो मैंने कहा बैठना भैया, अभी आके बैठ जा, बैठूंगा क्या, अभी आके बैठ जा, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मेरे छोटे भाई की तरह मेरी गोद में बैठ जा यार। इतनी सिंपल बात हुई। लेकिन आप जिस कुर्सी में बैठे थे वो कुर्सी में पहले नरेंद्र त्रिपाठी बैठे थे और नरेंद्र त्रिपाठी उठ के लाला के बगल में गए, लेकिन जब लाला ने हल्ला मचाया या तेज बोला तो नरेंद्र त्रिपाठी लाला को माना करने के बजाय आपके पास आए। ये नरेंद्र जी को जो लगा वो नरेंद्र जी। चलिए जाने दीजिए। सुभाष पार्क, सुभाष पार्क के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। सुभाष पार्क के बारे में मैंने कहना कि बड़ा अच्छा काम हुआ तुलसी जी की प्रतिमा रख करके, तो सच में एक बड़ा काम हुआ। किसी भाव से हुआ हो, कैसे हुआ हो, आपसे एक मांग, राजनीति के लिए हुआ हो, किसे हुआ हो, मैं कुछ बातें हैं पर कहना नहीं चाहता। अगर आप द रिकॉर्ड मुझे दुख हुआ। तुलसी जी की मूर्ति पर मुझे जितना आनंद फपक फपक के रोने का आनंद, मैं सुबह शाम तुमको भी सिखा रहा हूँ, तुमको भी सिखा रहा, तुम भी सुनो। ये तीन दोहे हैं, बंद उसी तुलसी के चरण जिन की नव जग काज, कल समुद्र मूर्त लखो और बिटे उस सप्त जहाज। अब इसको समझना, कल जो आया कोई संस्कृत पढ़ नहीं पा रहा था, कोई देर ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, सीएमए स्कूल वही भरौद नगर में तमाम कोचिंगें डेवलप हो गई हैं, सारे बच्चे वहाँ सेंट्रलाइज होते हैं पढ़ने के लिए। और इसका प्रमाण ये है कि जलकल विभाग के आगे कोरगवा थाने के इधर सिंधीगंज का जो मोड़, तुम्हारे यहाँ सिंधीगंज में मुझे याद है जमाने की बात है, एक सिंधी परिवार का लड़का हमारा था ठीक, तो उसका थाने के सामने हम पेशाब करने निकले थे, थाने से निकले तो ट्रक आया मार के चला गया। उसका बाप साइकिल से उसको बैठा के जा रहा था, चाय की दुकान चलाता था यहाँ कहीं बाजार महिला का लगा हुआ था। ये एक्सीडेंट्स होते थे वहाँ और इन दुर्घटनाओं के कारण फ्लाई ओवर बनाया गया। दूसरा, किस तरह की बात करते हैं लोग जानबूझ कर, ये NH है, शहर के भीतर आ गई है, ये नेशनल हाईवे है और इससे लॉन्ग रूट के ट्रक जाने हैं, बसें जानी है, अगर ऊपर से वो निकल जाएंगी तो क्या दुख है किसी को। दूसरा, फ्लाई ओवर भी इस शहर की शान बनेगा, इतना सुंदर बन रहा। विश्वास राव, सब्जी मंडी हटाने का मकसद क्या है? न्यायालय में भी मामला है और भरे बरसात में उनको जबरदस्ती प्रशासन हटा रहा, इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए भैया, भले बरसात का विशेषण तो आपने जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होना होता तो अब तक हट नहीं होते। पर ये मंडी हटाने का काम और मंडी का विवाद मेरे चुनाव से पहले से चल रहा, और वो विवाद इस ढंग से चल रहा है कि कृषि उपज मंडी कहती है कि मेरी ज़मीन है, नगर पालिका कहती है मेरी ज़मीन है, दोनों इस बात को लेकर के वहाँ भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी कई बार प्रयास किए गए कि आपस में इनका सेटलमेंट हो जाए, पर वो हुआ नहीं, कोर्ट में प्रकरण चल रहे हैं। सच में विश्वास राव, सब्जी मंडी शहर की दृष्टि से तो बहुत उपयोगी है शहर के लोगों के लिए, ये पूरा और थोक सब्जी मंडी और ट्रकों का, वाहनों का लादान उसका उतारना, ये सब भी मंडी में होता है। उसकी दृष्टि से ये तय हुआ कि एक मंडी, देखिए सब्जी मंडी कभी एक नहीं होती पूरे शहर, किसी शहर में चले जाए जब शहर बढ़ता है तो सब्जी मंडियाँ भी अपने आप छोटी छोटी अलग अलग एरिया में डेवलप होती है। आज सिंधीगंज की सब्जी मंडी चल रही है, आज जो है थोक सब्जी मंडी खोलने की कल्पना निश्चित रूप से की गई, क्योंकि भविष्य का सपना पूरा पूरब की तरफ बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज जेल के पास जमीन आरक्षित है, स्मार्ट सिटी रीवा रोड के पूर्वी और दक्षिणी एरिया में है, अभी जो RTO भवन हमने बनाया, हमारे मन में कल्पना थी किराए के मकान में चलता था, अब इन कामों को कभी चर्चा भी नहीं करता।
20 साल से वो कौन है पर्यावरण प्रदूषण ऑफिस दवारी के कोने में चल रहा था प्राइवेट बिल्डिंग, उसके लिए बिल्डिंग बना दी दे दी। कभी पुलिस क्वार्टर किसी ने बनवाए हो तो बताओ, हमने कोलकाता थाने में कम से कम 200 क्वार्टर बनाए पुलिस के, जेल हमने बढ़ा दी, तीसरा थाना हमने खोल दिया, कुल दो थाने थे जब हम विधायक थे, सिविल लाइन थाना हमने खोला, बाबूपुर चौकी हमने खोली। महंगाई भ्रष्टाचार एसटी एक्ट को लेके आम जनता में आक्रोश है, उसको चुनाव में कैसे हो पाएंगे? जो भी गलत बात होती है उसके प्रति आक्रोश सबको, पर भ्रष्टाचार और काहे में बताया महंगाई भ्रष्टाचार एसटी ये आक्रोश जो है, जहां तक महंगाई की बात आपका कहना गलत है। महंगाई के मामले में कई बार सीजन का अप डाउन जब होता है फसलों का, तो ये मार्केट का स्वभाव है कि वो अप डाउन हो, और उसको ही व्यवस्थित रखने के लिए कि कस्टमर को, कंज्यूमर को, आम आवाम को, उपभोक्ता को भी दिक्कत न जाए, महंगाई बहुत घातक असर न करे, और किसान को भी जो है तो उसकी आमदनी मिल जाए, इसमें बैलेंस किया, और उसी का नतीजा है कि एक तरफ गरीब आदमी को हम 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये का नमक उसको दे रहे, इतने नहीं कर रहे। अभी हमने संबल योजना बना करके उसमें भी तमाम लोगों को एकोमोडेट किया, और रघु भैया नाचने लायक फैसला किया है, सबको नाचना चाहिए। हमने 6 साल पहले मांग करी थी, उस समय किस तरह मुंह बनाया था हमारे नेताओं ने हम ही जानते। हमारी मांग थी कि 5 एकड़ तक के किसान को गरीबी रेखा के नीचे का मान लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती है नहीं, सिंचाई है नहीं, और आज हमारे मुख्यमंत्री ने 5 एकड़ तक के किसान को मजदूर मांग लिया है, उसका संबल योजना का कार्ड बनेगा, उसकी भी 5 लाख तक की दवाई फ्री होगी, उसकी भी बच्चों की पढ़ाई पहली से लेके चाहे जहाँ जाए पढ़ने, डॉक्टर इंजीनियर बने, फ्री होगी। ये संबल योजना के लाभ अब 5 एकड़ तक के किसान को भी मिलेगा, और इसलिए महंगाई को सच में नियंत्रित करने का अगर किसी में कला है तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है। आज दाल की क्या हालत है, दाल का सबसे ज्यादा हल्ला, आज सब्जियों की स्थिति भी ऐसी नहीं है, और मैंने आपको बताया कि सही तो जमीन ढूंढने में मिल गई थी। आप याद करो, एक अखबार इसको भी फोन छापो, याद करो एरोड्रम सतना में जहाँ है वहाँ नहीं चल सकते, हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम 4.5 करोड़ रुपये उसके लिए लेके भी आए, और बाउंड्री वाल उसी से बनी कि जो बची बची जमीन है वो बच जाए। पर आप क्या कल्पना करते हो कि एरोड्रम शहर जिस ढंग से स्मार्ट सिटी जा रही, 20 शहर में बनेलाल चौक बनेगा वो, जहाँ आज एरोड्रम आया स्मार्ट सिटी के बाद वो बनेलाल चौक के पोजिशन में आएगा शहर, पुराने शहर का कोई भविष्य है नहीं, मतलब ऐसे बाहर लोकल हेलीकॉप्टर खड़े होने के लिए कोई एक स्थान बना रहे हैं, वो सब ठीक है। और ये बात विचार करी थी हमने, इसमें हमने नागेंद्र सिंह जी को शेयर भी किया था उस समय जब वो पर्यटन मिनिस्टर, कि भैया कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सबको जिले की दृष्टि से सोचना पड़ता है, क्षेत्र भी है जगह, एरोड्रम क्षेत्र का विषय नहीं है अकेले, ठीक है मेरे सतना में है तो मेरा उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस होना चाहिए। और उसी नियत से 450 एकड़ जमीन बाबूपुर, जब भी अपन अमर पाटन रोड में जाते हैं तो बाबूपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ 450 एकड़ गवर्नमेंट लैंड अपन को मिल गई एक मुश्त, उसी पर एक प्रयास हुआ था जिस पर तमाम लोगों ने सीरियल चला के विरोध किया, कारण उनके क्या थे, निजी थे, मंदिर थे, पब्लिक का कितना नुकसान हो रहा था, कभी वो मांग करते हैं
कोई अखबार वाला चलाने लगता है या हवाई जहाज चलाओ हवाई जहाज चलाओ हवाई जहाज चलाओ, 3 महीना फिर वही चलाओ, एक कालम कुल्फी बेचने वाला भी चलाओ, कुल्फी बेचने वाला भी चलाओ, चैम्बर का अध्यक्ष भी चलाओ, हवाई जहाज ये क्या। जैसे उस हवाई अड्डे की बात आई, नागेंद्र सिंह जी से जिसका क्या बुराई थी क्या विरोध था, तो ताजुब कर रहे हैं लोगों ने कहा हवाई अड्डा शहर के बाहर लिए जा रहा, जबकि उस समय तक सिर्फ होम वर्क चल रहा। एक सुझाव भेजना था, ये 450 एकड़ जमीन में लगभग 150-200 एकड़ जमीन जो इंजीनियर कहेंगे हम नहीं कहेंगे, ये जमीन दे दी जाए एरोड्रम को, ताकि हम कभी इसे अंतर राज्यीय हवाई अड्डा बना सकें, इसे राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना सके, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना सके, न 2000 में न अभी का चल रहा 2018 में नहीं, 2000 के बाद क्या आएगा, 100 साल होने के बाद, मैंने और 100 साल बाद, और हम प्लिंथ तो रखते जा, और इसलिए एरोड्रम के लिए वहाँ सोचा था, यहाँ से मुश्किल से 18-20 किलोमीटर। अब रीवा की हवाई अड्डे की कल्पना करिए, पाणन तोला से हवाई अड्डा कितनी दूर होगा, 20 किलोमीटर। वहाँ पर आपने पढ़ाया अखबार में इसका विरोध, बच नहीं सकते आप लोग, और वहाँ पर 250 एकड़, और 250 विधानसभा मेरा भाषण, 250 एकड़ जमीन हमने मांगी थी उद्योग के लिए, कि यहाँ मान मटेना में भी इतनी जमीन नहीं है, मान मटेना में पहले औद्योगिक क्षेत्र का किया, पहले 5 वर्ष में जीते, हालांकि उस सब काम का कुछ स्पेशल लोग ठेका लिखा है, उनको मतलब है नहीं है किसी से, वो खुद ही सब कर लेते हैं, ये अलग बात है कि कर कुछ नहीं पाते, पर मान मटेना में भी इतनी लैंड नहीं है, और शहर के नज़दीक होने के कारण इतनी कॉस्टली लैंड है कि उद्योग में जितना लगाना है उतना लैंड में लगाए, कोई आदमी तो वहाँ कल्पना करें। बिजली की व्यवस्था हालांकि हमने मान मटेना में भी किया, वहाँ बड़े ट्रांसफार्मर लगाए, वहाँ पर जो उद्योग लग भी रहे कई लोगों ने लगाए, छोटे बड़ी फैक्ट्री, पर 250-200 एकड़ जमीन हम चाहते थे कि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र को दे दी जाए, वहाँ कारखाने लगे, रेल रूट में था कुचेरा स्टेशन और लगनगवा स्टेशन बहुत नज़दीक थे, और इसलिए रेल जहाँ होती है वहाँ फैक्ट्री वाले ज़्यादा आकर्षित होते हैं, रेल रूट में था, मेन दिल्ली मुंबई हावड़ा रूट में था, कार्टिंग ज़्यादा नहीं थी, और फिर वहीं पर यदि हम एरोड्रम भी डालते तो वो और सुविधाजनक होता उद्योगपतियों के लिए, उद्योग को तो वो जमीन मिल चुकी है, एरोड्रम का विषय अभी मैंने मेरी समझ में स्मूथ भी नहीं चल पा रहा, उसे चलाऊंगा अगर कुछ, इसी तरह मेरा विचार है भविष्य की दृष्टि से, मेरा विचार है मुख्यमंत्री जी ने से मैंने बार बार कहा, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं यार तुमको इतना कर, यार तुमको इतना कर दिया, तुम नहीं माने यार, विधायक जी के द्वारा बहुत सारी जानकारियां दी गई, और ये भविष्य की दृष्टि से तुम लोग भी याद रखना, अगर हम न रहे तो तुम लोग करा रहे। एग्रीकल्चर कॉलेज सतना के लिए मैं चाहता था, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए मेरे पास 250 एकड़ जमीन पड़ी है रंगा फार्म, बार बार प्रयास हुआ, यहाँ बड़े खतरनाक लोग हैं, अभी बीच में जब के खरे कलेक्टर थे तो वहाँ सिविल लाइन जाने लगी कि कलेक्ट्रेट वहाँ चला जाए, अफसरों के बंगले वहाँ, कलेक्ट्रेट को मैं यहाँ ले आया तो जब आप नहीं ले जा रहा, नहीं तो जयस्तम बनने लगा, क्या सोचते थे कलेक्ट्रेट के लिए क्यों लगे थे, आपके मन में कल्पना नहीं, चैम्बर में बैठ करके चुनाव लड़ सकते हो, और सतना को समझने में भी टाइम लगे, मर गया था कोतवाली चौक, जयस्तम चौक, बिहारी चौक, पन्नीलाल चौक, सारे भूमाफिया ने एक कांग्रेस का इसलिए कि जब बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट और कचहरी वहां है तो जिले की जनता क्यों आएगी बिहारी चौक,
बता, चड्डी लेना है, साबुन लेना है, गुड़ लेना है, सूजी लेना है, मर्सरी लेना है, सबसे बड़ी जो है मिल रही। तो ये खत्म था कि नहीं यार? बिल्कुल। इसलिए जंगललाल के कलेक्टर लाए दवारी, ये लोगों को तुरंत जेब में रकम डाल दिए, जो 600 रुपए थी वो 800 रुपए फुट हो गई, जो कमरा 500 में जाता था वो 800 किराए में जाने लगा। जब कलेक्टर की वेंकट वन की दुकानें बना के 1 करोड़ से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट है, गवर्नमेंट का नहीं, अपनी कमाई का, वेंकट वन के नाम, जिसे चीफ मिनिस्टर नहीं खोलेगा, कलेक्टर भी नहीं खोलेगा, इनकी कमेटी खोले, और उसमें शर्त है कि आप फिक्स डिपॉजिट के नहीं तोड़ सकते कोई, उसकी ब्याज अगर बहुत जरूरी है तो आप खर्चा करिए, अन्यथा 70-80 हज़ार रुपए महीने किराया आ रहा है वेंकट वन में, इससे स्कूल में जो करना है, अगर मैं रहा तो वेंकट वन स्कूल से भविष्य में पास होने वाले उन बच्चों को जो गरीब है या जिनके माता पिता नहीं है, मामा मामी पढ़ाते हैं, या माँ है बाप नहीं है, ऐसे बच्चे जो वहाँ से एक्सीलेंट निकलेंगे उनको लोन नहीं दूंगा, 3,000 रुपये महीना ऐसे लो, जब डॉक्टर हो जाना मन पड़े तो जग देने कुछ आगे दान पुण्य और तो जा। इसलिए वो रकम के क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए 8 साल से बैंक में, तो डबल भी हो गया। अभी मैंने कलेक्टर को कहा कि एक बार बुला के उसकी बैठक करो, ऐसा